नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम भाई, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। साथियों, जैसा कि आप सब भाई कमेंट करते हो, आप सब भाइयों का ज़्यादातर ये सवाल भी रहता है कि जो आने वाले समय में जो आलू का भविष्य है वो। साथियों, आप लोगों का अधिकांश एक ही सवाल रहता है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो आलू का जो भाव है वो कैसा रहेगा। दूसरा आप लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या वाकई में अब की बार भारत से आलू का एक्सपोर्ट नहीं होगा। दूसरा सवाल आपका ये भी रहता है कि वाकई में क्या अभी भी डंप का आलू बाकी रह गया है। चौथा सवाल आपका ये भी रहता है कि अगर आलू का दाम बढ़ेगा तो कब तक बढ़ेगा। पांचवा सवाल यह भी रहता है कि कोल्ड स्टोर कब तक फुल रूप से खुल जाएंगे। छठा सवाल आपका यह भी रहता है कि आलू अच्छे दाम में कब बिचेगा। तो साथियों, आप लोगों को जानकारी के लिए बताते चलें कि 25 अप्रैल दिन रविवार समय 12 बजे आलू के भविष्य पर लाइव चर्चा के लिए 12 बजे लाइव आ रहा हूँ। आप लोग अपना अपना कीमती समय निकालकर लाइव वीडियो में जरूर जुड़े और अपने अपने सवाल जरूर लेकर आए, और साथ साथ में जो भी जानकारी हो वो जानकारी सभी भाइयों के साथ में शेयर करें। तो चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं कि क्या आखिर वाकई में डंप का आलू बचा हुआ है। साथियों, आप लोग अपने अनुमान से स्वयं अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट देख सकते हैं, अपने अपने क्षेत्र का माहौल देख सकते हैं क्या वाकई में डंप का आलू बचा है। साथियों, आप लोगों को अपने अनुमान से बता रहा हूं, हमारे ख्याल से अभी तक जो डंप का आलू है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 2% ही बचा हुआ है, और यह आलू लगभग इस हफ्ते तक समाप्त हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, डंप का आलू जितना भी बचा है वो इस हफ्ते तक समाप्त हो जाएगा, और अगले हफ्ते तक कोल्ड स्टोर खुलने की संभावना है। अब सवाल आता है कि अगर कोल्ड स्टोर खुलेंगे तो कितने रुपए से खुलेंगे। आप लोग सबसे पहले यही जानना चाह रहे हो कि कोल्ड स्टोर अगर खुले कितने रुपए से खुलेंगे। साथियों, आप लोगों को जानकारी के लिए बताते चलें कि जो कोल्ड स्टोर है वो हमारे अनुमान से सफ़ेद आलू 500 से लेकर 550 रुपये के आसपास प्रति कट्टा, 500 से लेकर 550 रुपये प्रति कट्टा सब दाम में कोल्ड स्टोर ओपन होना चाहिए। और जो लाल आलू है वो 600 से लेकर 700 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से कोल्ड स्टोर ओपन होना चाहिए मेरे अनुमान से। आप लोगों का अनुमान क्या है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि जो भाई कमेंट नहीं करना जानते हैं उनके लिए आज डिस्प्ले पे दिख रहा है कि कमेंट कैसे की जाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से सेंड कर देंगे। आपका सवाल जैसे ही हमारे पास आता है वैसे ही हम आपके सवाल का जवाब दूंगा, अन्यथा आपके सवाल का जवाब अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, अब बात आती है जो आलू के भाव हैं। उत्तर प्रदेश की फरकाबाद की सातनपुर मंडी में जो ख्याति और पुखराज आलू हैं वो 800 से लेकर 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक रहे हैं। वहीं बात करें 3797 की, तो 3797 800 से लेके और 981 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिक रहे हैं। वहीं बात करें न्यू आइलैंड की, तो न्यू आइलैंड आलू 950 रुपये से लेके 1050 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहे हैं। फरकाबाद की मंडी में जो आमदनी है वो 25 से लेके 30 मोटर की आमदनी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की जानी मानी मंडी कानपुर की, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जानी जाती है, तो उत्तर प्रदेश की कानपुर की मंडी में जो आलू की बिक्री होती है ना
हर मंडी का अपना अपना एक नियम होता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की कानपुर की जो मंडी है उसका नियम जो है प्रति 40 केजी के हिसाब से वहाँ पे आलू की बिक्री की जाती है। ऐसा नहीं कि जो किसान भाई है वो जो एक बोरा होता है, एक कट्टा जो होता है उसमें 40 किलो ही वजन भर के ले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बोरा होता है उसमें वजन जितना भी आता है 50 से लेके 55 किलो के बीच में पूरा भरा जाता है, पर वहाँ पे जो बिक्री होती है प्रति 40 केजी के हिसाब से होती है, जिसको वहाँ पे प्रति मन के हिसाब से बिक्री के लिए बोला जाता है, वहाँ पे जिसको मन बोलते हैं। जैसे कि कहीं की मंडी में जो मन है वो 5 किलो का होता है, कहीं कहीं 20 किलो का होता है, कहीं कहीं 30 किलो का होता है, ऐसा है या नहीं है, सही बताओ आप। ये है तो कानपुर की मंडी में जो मन है वो 40 केजी का होता है, और वहाँ पे जो ख्याति और पुखराज आलू हैं वो 350 रुपये से लेके 420 रुपये प्रति मन के हिसाब से आलू बिक रहे हैं। और वही बात करें अगर 37-97 आलू की तो वो 350 रुपये से लेके 450 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं। वही बात करें अगर न्यू आइलैंड आलू की तो 450 रुपये से लेके 500 रुपये प्रति मन के हिसाब से आलू बिक रहे हैं। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की कानपुर की मंडी में आमदनी कितनी हो जाती है एक दिन में, तो उत्तर प्रदेश की कानपुर की मंडी में जो आमदनी का अनुमान है वो लगभग रेगुलर 25 से लेकर 30 मोटर से प्लस 25 से 30 मोटर प्लस की आमदनी हो रही है। आमतौर पर सोमवार को आमदनी की बढ़ोतरी हो जाती है। तो साथियों जो है अभी तक का जो आज का जो भाव था वो आप लोगों के सामने पेश किया, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और इस वीडियो में 200,000 लाइक का टारगेट रखा है, देखते हैं कि इस वीडियो में 200,000 लाइक कब तक पूर्ण होते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको पंजाब की आलू की पोजीशन के बारे में हम पूर्णतया वीडियो में जानकारी दे देंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और साथियों अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें और सुबह और शाम को थोड़ा गर्म पानी का